لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، میں کئی دنوں سے لگاتار سفروں میں ہوں، سو نہیں سکا، اس لیے آج میں سیڑھیاں چڑھتے وقت کتنی ہی مرتبہ چکر مجھے آیا، گھر سے چلتے وقت ایک میرے مرید ساتھی ہیں، وہ ایک لاٹھی مدینہ شریف سے لا کے انہوں نے مجھے دی، میں نے کہا یہ سرکار کی بارگاہ سے لاٹھی ملی ہے، شاید اب وہ وقت آ گیا کہ لاٹھی کے بل چلنا پڑے گا. تو سچ کچھ جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، میرا سر چکرا رہا تھا، تو میں نے سمجھا سرکار نے جو لاٹھی بھیجی ہے اس کا بھی کچھ مقصد ہی ہے. سبحان اللہ. عرض یہ ہے، ایک ہے ولی ہونا اور ایک ہے ولی بنانا. سبحان اللہ. ولیوں میں ولی بے شمار پہلی امتوں میں گزرے ہیں، اس امت میں بھی گزرے ہیں، لیکن ولی بنانے کا کام کس نے کیا ہے؟ راستے میں آ رہا تھا، وظائف پڑھ رہا تھا، حضرت مولا مرتضیٰ کی جو اسپیشلٹیز ہیں ان پر ایسے میرا دماغ لڑ گیا. اس پر پہلی اسپیشلٹی تو میری سمجھ میں یہ آئی ہے، نبی پاک دا نور شریک پائی، نبی پاک دا نور شریک پائی، مولا مرتضیٰ شیر خدا اک ہے. سبحان اللہ. دائرہ کونو مکان اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا اک ہے. اس پوری کائنات میں کوئی سرکار کا چچا زاد بھائی ہے، کوئی سرکار کا دودھ شریکا بھائی ہے، نور شریکا بھائی صرف علی ہے. سرکار کا فرمان ہے، خلق تو انا و علیم من نور واحد
मैं और अली एक नूर से पैदा किए गए हैं। रियाजुन नजरा मुहिबुद्दीन सबरी, जिनका सन वफात 694 है, शाफी मजहब के मुहद्दिस आजम तस्लीम होते थे, काबे के इमाम थे, उनकी लिखी हुई किताब है रियाजुन नजरा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक एक सफ़े पर चार चार जगह उसका नाम लेते हैं। देवबंदियों की मशहूर किताब लिखी हुई है सीरत उन नबी शिबली नौमानी की, उसके इब्तदाई तौर पर यहाँ कहते हैं मेरी बात किताब बड़ी पुख्ता है क्योंकि इसके अंदर कच्ची मालूमात मैंने दर्ज नहीं की। वो पक्की कौन कौन सी किताब से आपने कोई मामला लिया है, उसमें उन्होंने रियाजुन नजरा का नाम लिया, इसलिए रियाजुन नजरा एक मोतवर और मुस्तनद किताब है। उसमें हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम अलैहि सलाम की तखलीक से 14,000 बरस पहले मेरा और अली का नूर एक था। नूर शरीका भाई सिर्फ अली है, कोई उस नूर से पैदा हुआ है जो सरकार का नूर है का मैं और अली एक नूर से। इस जगह आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने जो जुमला बोला है, सुन्नी उलमा पता नहीं क्या वजह है उसको शजरा ममनुआ समझते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बहजा बहजा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बहजा बहजा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मौलाना लोग जब सैयद को देखते हैं पाओ पाओ भी आंख निकालते थे, जिसको तुम कहते हो बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ये वही लोग हैं जिनको तुम स्टेजों पर कहते हो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। अब इस पर सनद क्या है, सनद यही हदीस है आदम अलैहि सलातो वसलाम बाद में बने हैं, मेरा और अली का नूर पहले से मौजूद था। इसका मतलब जिस तरह सरकार के नूर को सबकत हासिल है, अली के नूर को भी सबकत हासिल है। मगर देखते ये है कि नूर से कोई सैयद नहीं बनाया जाता। एक लड़की लड़के की शादी होती है, सादात में बच्चे पैदा होते हैं, उनके बारे में किस तरह तस्लीम कर ले ये नूर के हैं। इंसान को मिट्टी से पैदा शुदा तस्लीम करते हैं कि नहीं करते हैं? इस वक्त कहीं घुमार के हाँ मिट्टी तैयार होती है जिसे बंदा बनाए, किस तरह मानते हो कि ये मिट्टी से बनाया गया है? चूंकि इनका जो अब्बा है ना सबका, वो मिट्टी से बनाया गया है, उसका मादा तखलीक मिट्टी है, आगे औलाद उसके ताबे है, वो मिट्टी से बनाया गया, फिर सारी औलाद मिट्टी से बनाई गई है। समझे बात? जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया तो मादा तखलीक उनका मिट्टी होकर सारे इंसान जो हैं ये मिट्टी के बने हुए हैं। तो हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात बाबरकात और हजरत हैदर करार, इनको सरकार ने फरमाया हमारा मादा तखलीक नूर है, जिसे आदम की औलाद मिट्टी से पैदा शुदा तस्लीम होती है, इसी तरीके से मादा तखलीक मेरा और अली का नूर है, इसलिए इनकी औलाद जो है उनके बारे में आला हज़रत ने इसलिए फरमाया है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। दायरे कोनो मकान अंदर मौला मुर्तजा शेरे खुदा एक है, एक है बाबुल मदीना, एक है बाबुल मदीना दा दी जात उओ, और साहिबे सैफ और लाफता एक है, वली साज है उम्मतां सारियां दा। पहली उम्मतों में कोई वली मेरे कितनी बड़ी स्पेशलिटी है, वली साज है उम्मतां सारियां दा, नबी पाक दा मौजिज नमा एक है, सारे सहाबी बेमिसाल हैं, सिद्दीक अकबर का सानी कोई नहीं, फारूक आजम का सानी कोई नहीं, उस्मान गनी का सानी कोई नहीं,
लेकिन जो स्पेशलिटी अली की है वो अली की रहेगी ना। वली साध है उम्मतां सारियां दा, कोई पहली उम्मत में वली ऐसा नहीं गुजरा जिसके मतलब इस्लाम का मानने वाला ये दावा करे कि वो अली से बाला बाला वली बन गया था। अली ने वली बनाया है तो अली बना, वो वली बना है। वली साध है उम्मतां सारियां दा, नबी पाक दा मौजिज नमा एक है। सैयद किसे मैदान भी आ रहा नहीं, सैयद किसे मैदान भी आ रहा नहीं। दो जहान भी साहिब लवा एक है। लवा कहते झंडे को, ये पहले मरतबा ये लकब सरकार को खैबर की तारीख मिला। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी मुसनफे उम्दतुल कारी शरा बुखारी गज़वाए खैबर, उसके अंदर है अजब सिद्दीक रदी अल्लाह तआला गए कामयाबी ना हो सकी, उम्र फारूक रदी अल्लाह तआला गए कामयाबी ना हो सकी, छोटी छोटी के जंगी जरनैल जो इस्लामी तारीख में मिलते सारे गए कामयाबी ना हुई। आखिर सहाबा बड़े परेशान हुए, उनका कामयाबी तो एक उनका ही बन गई है, एक किस्सा शबे ज़मिस्ता बन गया। इन्हें सर्दियां ने दिहाड़े नहीं खा भी कोई, फतह भी मिलेगी कि नहीं। सरकार ने फरमाया सुबह मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह करेगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, वो खुदा और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है और खुदा और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। झंडा उसके हाथ में दूंगा। अच्छा, मोहब्बत एक कैफियत है जो कल्ब इंसानी में महफूज है। गैब ना जाने तो सच्ची मोहब्बत का फैसला कौन करेगा? कहा वो अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है, कल उसके हाथ पर फतह होगी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया बुखारी के अल्फाज हैं, सारी रात सोचों विचारों में गुजर गई कि अय्युहुम युताहा, कौन है जिसको सरकार झंडा अनायत फरमाएंगे। उनको ये पक्का यकीन था अली को झंडा आज नहीं मिलने का। क्यों? उनकी आंखें आ रही, आंखें दुखती हैं। सुबह के वक्त सरकार फोन गए ना अली, अली कहाँ है? उनका हुआ यश्तकी ऐन है, उनकी आंखें दुख रही हैं। दुखती आंखों के साथ वार करना, वार सेना, वार का टालना, दुश्मन से बचना, दुश्मन पर हमला आवर होना, ये सारे पैंतरे जो जंग में इस्तेमाल होते हैं वो तो आंखों के मोहताज हैं। जब आंखें ही काम नहीं करती तो उनका अली को बुलाओ। उनके जब उनकी तो आंखें आ रही हैं, उन पर आ रही है तो आने दो। हाजरे बारगाह हुए, सरकार ने एक फूंक मारी दर्द जाता रहा, दूसरी फूंक मारी वर्म जाता रहा, तीसरी फूंक मारी सुर्खी जाती रही। सरकार ने झंडा उनके हाथ में दिया और फरमाया ए अली, ये मेरा झंडा है और मैदान करबला में जो कमीज इस्तेमाल हुई है पहली मर्तबा सरकार ने मौला मुर्तजा को खैबर के मैदान में अता फरमाई। ये कभी आपने नोट किया? हैदर करार को वो कमीज दी गई, खातून जन्नत के हाथ के बखिये उसको लगे हुए थे, क्योंकि हैदर खातून जन्नत के हाथ के थे। सरकार ने अपनी दस्तार मुबारक भी अता फरमाई। अदरे वो सिद्दीक रदी सरकार के खलीफा हैं, मगर अबा नहीं अता हुई। साहिब रूहुल मानी सैयद महमूद आलूसी बगदादी खालदी कुर्दी, उन्होंने कहा कि हजरत सिद्दीक अकबर की जात पाक जो हैं सरकार के खलीफा बरहक हैं, लेकिन वो सिर्फ खलीफा हैं, अली खलीफा भी हैं, सज्जादा नशीन भी हैं, इसलिए उनको आपने कभी इस मुबारक भी अता फरमाई, पगड़ी भी अता फरमाई, झंडा भी अता फरमाया। मैदान में गए, कहते हैं दुश्मन कि आ गया अली। अब अली के वार उन्होंने देखे हुए, उनका सुना था कि इसकी आंखें खराब हैं, आंखें बीमार हैं। आप नहीं, नहीं मेरी आंखें भी ठीक हैं, मेरा दिल भी ठीक है। मरब ने कहा पहला वार करो। आप ना मेरी सारी की जिंदगी तुम्हारे सामने है, पहला वार मैंने कभी नहीं किया, अगर पहला वार करूं तो फिर उसकी माए बहने मरसिए पड़ती हैं, मौका ही नहीं दिया। पहला वार तू कर ले ताकि तेरे खानदान को हसरत ना रहे
کہ اس کی طاقت کی آزمائش نہیں ہوئی. اب جناب بہادروں کی عادت ہے وار کرنے میں جلدی نہیں کرتے, پہلے وار کا انتظار کرتے, کر لو اپنا وار. اب جناب حیدر کرار پر وار کیا, دیکھیں لڑائی کے دوران گمسان کرانا پڑا, آپ کے دستے مبارک سے ڈھال گر گئی. آپ نے دیکھا کہ اگر ڈھال اٹھانے کے لیے میں گھوڑے سے خچر سے اتروں, جس کا نام دلدل ہے, اور ایک مولوی صاحب یوں کہتا ہے دلدل کے نام سے کوئی جانور تھا ہی نہیں, حالانکہ حدیث صحیح سے دلدل کا نام بھی ثابت ہے, سرکار کا دینا بھی ثابت ہے, مولا مرتضیٰ کا سوار ہونا بھی ثابت ہے. وہ سواری جو سرکار کی اپنی سواری ہو وہ کسی کو دیں, یہ اسپیشلٹی حضرت حضرت قرار کی. پیر اپنی کوڑی چڑھنے ایسا کسا کی دیں نا, وہ کوئی خاص مرید اسی. یہ شہنشاہ مصر مکوکس نے ایک کنیز بھیجی تھی, یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے, اور ایک خچر بھیجا تھا. یہ دونوں چیزیں شہنشاہ مصر نے بھیجی تھی. ماریا قبطیہ جو تھی وہ نام تھا اس کنیز کا جس سے جناب ابراہیم پیدا ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا یہ میرا بچہ اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا. یہ اس کے ساتھ خچر آئی تھی, خچر بگلا, جس کو انگریزی میں میول کہتے ہو, یعنی اس کی ماں اور جنس کی ہے, باپ اور جنس کا ہے. اس سے خچر کی قسم کے سید بھی ہم نے دیکھے ہیں. ان کے اندر سادات والے اوصاف نہیں پائے جاتے, اس لیے قانون کی نگاہ میں قانون جب انہیں تعبیر کرے ہاف کاسٹ سید کہتے, ادھے سید. سادات کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے. ماؤں کا بڑا فرق پڑتا ہے. تو اب جناب وہ خچر پر سوار ہے, ڈھال گر گئی. سوچتے ہیں کہ ڈھال اٹھانے کے لیے اگر میں نیچے اتروں دشمن سر پر چلا ہوا ہے, یہ مجھے موقع نہیں دیں گے, تو کیا ضرورت ہے ڈھال اٹھانے کی, یہ سامنے قلعے کا دروازہ کیوں نہ اکھاڑ لوں. آپ جتنے حضرات کے ساتھ تشریف فرما ہو سب کو میں اجازت دیتا ہوں کہ ایک رسا لے کر سامنے والی اس کھڑکی کو ڈالیں, کھینچے, سارے مل کے کوشش کریں, دیوار کے اندر لگی ہوئی کھڑکی جو ہے وہ نہیں نکلے گی. ہمیں زندگی میں یہ تجربہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے. ہم نے کبھی مزدوروں کے ساتھ طالب علمی زمانے میں مزدوروں کے کام بھی کیے ہیں, یہ بہت اچھا تجربہ ہے. قلعے کا دروازہ ہے, اگر آپ اس وقت جائیں جبکہ ساری سہولتیں مہیا ہو چکی ہیں, اس قلعے کے دروازے تک جانا ہی بڑا مشکل ہے. قلعے کے دروازے تک بندہ نہیں جا سکتا. مولا مرتضیٰ اس ڈھال کی تلاش میں قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے. آپ نے لے کے مولا کا نام بائیں ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا, ایک جھٹکا دیا, قلعے کی دیوار سے اس کو باہر نکال لیا. کہا نا یہ تطرس میں باب خیبرا, تمام لڑائی کے دوران اس دروازے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے. جب دشمن اور وار کرتے دو ٹکڑے سامنے پڑے ہوئے ہیں, جب دشمن وار کرتا ہے تو دروازہ اس کے سامنے رکھے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے وہ دروازہ کو ایسا نہیں تھا کہ جیسا عام ڈھال ہوتی ہے. کہتے دوسرے دن ہم 40 آدمی مل کے اس دروازے کو سرکانا چاہا تو دروازے کو اپنی جگہ سے سرکا نہ سکے. اگلے دن پورا دن حضرت حیدر کرار کے بائیں ہاتھ پر وہ ڈھال تھی. یہ بات سارا غزوہ خیبر نہیں بیان کرنا چاہتا, صرف یہ بیان کرنا. جو صاحب لواء کا لفظ, لواء کہتے ہیں جھنڈے کو, کب ٹائٹل ملا؟ بخاری شریف کا متن ہے, اس کی شرح لکھی ہے عمدہ القاری نے, اس کے اندر بیان کیا کہ میدان مار کے واپس آئے جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں آج مزہ آیا جھنڈا اٹھانے کا, تلوار مارنے کا, علی کے وار دیکھے. علی تو چھوٹے سے قد قامت کے بزرگ ہیں لیکن میدان میں اترا ہوا ایسا پتا چلتا ہے کہ آسمان سے بجلی کر کے لگی ہے. جس جس کو تلوار لگی پوری زندگی کی تاریخ ہے, ایسا مانے جنا ہی نہیں جو یہ کہے علی نے مجھے تلوار ماری میں بھوں پہ کھڑا رہا. نہیں, جس کو علی نے ماری وہ گیا. ایسا بھی ماں نے کوئی لال نہیں پیدا کیا جو کہے کہ میں نے علی کو مارا علی گرا تھا.
नहीं, अली को गिराने वाला माने जरा ही नहीं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि मैंने कहा अली के हाथ में झंडा कैसा खूबसूरत लगता है। सरकार फादे क्यों ना खूबसूरत लगे। ये खैबर की जंग में जो फतूहत हासिल हुई थी, माले गनीमत मिला था। अगर आप इसको पॉलिटिकली इसका मुताला करें तो आपको ये सवाल समझना पड़ेगा, मुसलमानों की माशी गुर्बत किस वाक्य के बाद बहाल हुई और मुसलमान अपने घर से रोटी खाने लगे। सबका मुसलमानों को जाना ने जब ही मुयसर नहीं था, दरख्तों के पत्ते खा के जीते थे। और मुस्लिम शरीफ के अंदर किताब सलात के अंदर अहदीस आती हैं, जिस जगह कहीं कोई सहाबी पेशाब करता था पता चलता था ये सहाबी पेशाब करके गया, क्योंकि महंगनियां होती थी, दरख्तों के पत्ते खाते थे। जिसके बाद दरख्तों के पत्ते छोड़ के रिज खाना नसीब हुआ, वो हजरत हैदर कलार की तलवार की धार की कामयाबी है। खैबर का इलाका एग्रीकल्चरल टाइप है और आबी जमीनें हैं, खजूरें बेशुमार हैं, दरख्त बेशुमार हैं, फल बेशुमार हैं। ये सवाल है कि बताओ मुसलमानों की माशी गुर्बत किस तारीख से दूर हुई। उसका जवाब यह है कि जनाब हैदर करार ने जिस तारीख खैबर फतह किया, इतने जानवर मैसर आए जितने पूरे सऊदी अरेबिया में नहीं हो सकते, और इतने फल मैसर आए जो पूरे सऊदी अरेबिया की कमाई से ज्यादा हुए। और वो नहरी जमीनें थी, सब्जियां लगी हुई थी, और इतने गधे मैसर आए जितना इस वक्त के बाद अकीदा की तादाद है। उसकी वजह क्या थी? वो गधों पर सब्जी लाद के तो शहरों बाजारों में बेचने के लिए ले जाते थे। इसलिए हर एक आदमी के चार चार छह छह गधे थे, और गधे का आराम होना उसी तारीख मुकर्रर हुआ। बुखारी के मसल के अंदर है, शाम के वक्त के लिए गधे जिबा करके हांडियों में चढ़ाए हुए थे। सरकार अब जो इस वक्त गधे हांडियों में चढ़े हुए हैं, मैं तो तुम पर ये हराम करता हूँ। जो कहे मैं कुरान तो मानता हूँ हदीस नहीं मानता हूँ, एक बेईमानों का तबका वो भी है। कुरान ने गधे को हराम नहीं किया, गधे को सरकार की जुबान ने हराम किया है। जो हदीस को न माने उनको गधे काट काट के खाने चाहिए। है बड़ी तमाशे की बात है। आली हदीस का मजहब यह है कि गधे का दूध हलाल है, पाक है, गधी का दूध पाक है। एक मतलब पंजन कसाना एक जगह है पंजाब में, वहां में तकरीर के लिए क्या हुआ वहाबियों के मुकाबले में, तो मैंने कहा ये मुफ्त की गधियां तो उधर फिर रही हैं, तो ये वहाबी किस लिए हो? तुम एक डेयरी फार्म बना लियो, स्पेशल डेयरी फार्म हो, उससे जितना गधों का दूध बरामद हो वो सारे का सारा वहाबियों को पिलाओ। हालांकि कानून ये है कि जिस चीज का गोश्त हराम हो उसका दूध भी हराम होता है, क्योंकि दूध नतीजा होता है खून और उसके पसीने और उसके गोश्त का। जिसका गोश्त हराम है उसका दूध भी हराम है, लेकिन वो कहते हैं ये दूध उसका हलाल है, इस पर कोई शरी सबूत नहीं है। अच्छा सबूत नहीं है तो पिया करो। सरकार ने गज़वाए खैबर के मौका पर गधों को हराम किया। सामने से मौला मुर्दा मैदान मार के आए, तो जब पहलवान दंगल लड़के आया हुआ हो वो वक्त भी उसका देखने वाला होता है। हजरत हैदर करार बड़े खुश है कि सरकार ने जिस मकसद के लिए भेजा था अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है, और सरकार मेरे प्यार का जिक्र करते रहते हैं। मैं समझता हूँ खुदा ने सरकार को भी सुरखरूई का मौका अता फरमाया है। मैं मैदान मार के आया हूँ, सरकार उनके सामने बड़ी खुशी से मेरी बातें कर रहे हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने कहा या रसूलल्लाह झंडा अली के हाथ में खूबसूरत लगता है। आपने फरमाया आइंदा जब तक मैं दुनिया में जिंदा हूं तो मेरा झंडा जो है वो अली उठा के चलेगा, अली के सिवा दूसरे के हाथ में झंडा नहीं होगा। उस वक्त बोले कहने लगे या रसूलल्लाह कयामत में भी तो झंडा होगा। आपने फरमाया मेरा झंडा होगा लिबाउल हमद में यदि कि कयामत का मैदान में मैं हमद का झंडा अपने हाथ से किसी को दूंगा। वो कयामत का झंडा फिर किसके पास होना चाहिए? आपने फरमाया जिसके हाथ में दुनिया में मेरा झंडा अच्छा लगता है कयामत के मैदान में उसी के हाथ में झंडा अच्छा लगेगा। अल्लाह हु अकबर। अल्लाह हु अकबर। रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी।
ये रास्ते में मैं लेटा हुआ वज़ाए पढ़ रहा था, थका हुआ था, कई दिनों का जगराता है, तो मेरे हज़ूर मौला मुर्तज़ा की स्पेशलिटीज के बारे में मेरे दिल में ख्याल आया, तो उसमें मैंने ये बातें अर्ज की हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दायरा कौनों मकान अंदर मौला मुर्तज़ा शेर खुदा एक है। मौला का लफ्ज 1,24,000 से कमो बेश किसी भी सहाबी के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ, किसी उम्मते के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ, जिसको मन कुन तो मौला फाजा अली उन मौला हो। मौला का लफ्ज जो है ये अली की खसूसियत है। दायरा कौनो मकान अंदर मौला मुर्तज़ा शेर खुदा एक है। नबी पाक दा नूर शरीक भाई, कोई दूध शरीका भाई है, कोई चचा का शरीका भाई है, लेकिन सरकार का नूर शरीका भाई सिर्फ अली है। प्रखुलिक तो अना व अली मिन नूरिन वाहिदिन, मैं और अली दोनों एक नूर से पैदा हुए। नबी पाक दा नूर शरीक भाई, आहा हा हा, साबिर सैफ से लाफता एक है। सरकार फरमाता लाफता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़कार, तफ़सीर रूहुल बयान और सूरह अहज़ाब अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्मातुहुम, इसके तहत देखो जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ग़ज़वा अहज़ाब लड़ रहे हैं तो दुश्मन ऐसे घोड़े खुदा कर पार आना चाहते हैं। एक आदमी घोड़ा खुदा के आया, उसने पार जाना चाहा, लेकिन वो पार ना जा सका, उस खंदक में गिर गया। खंदक के गिरदा गिर्द खोदी हुई थी। इस खंदक का जो मनसूबा था हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने बनाया था, क्योंकि वो नौशिरवान के औलाद में से थे, उन्होंने पुरानी जंगें देखी हुई थी। उस वक्त जब वो ईमान लाए थे 225 बरस उनकी उम्र थी, और 250 बरस की उम्र में दौरे फारूकी में उन्होंने ईरान के शाही किले को पीछे हट के धक्का दिया तो उसके दो टुकड़े कर दिए। यानी 250 बरस की उम्र का आदमी लाठी के बगैर चल नहीं सकता, तो उन्होंने एक धक्का मार के शाही किले का दरवाजा तोड़ दिया। अब खंदक को पार करने लगा, बंदा बीच में गिर गया। केज की जो पहली कुश्ती है वो अली ने लड़ी है। अब समझते हो, केज में जब बंदा गया है, अब बाहर से कोई धांधली करने वाला अंदर जा नहीं सकता, वो बाहर आ नहीं सकते, अब उनको ताकत और जुर्द की आखिरी आजमाइश है। जनाबे मौला मुर्तज़ा ने देखा दुश्मन खंदक में गिर गया है, लेके मौला का नाम पीछे कूद गए। कितना एतमाद है, पता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौला मुर्तज़ा छलांग लगा के पीछे चले गए और फरमाने लगे अपनी जान संभाल ले, तलवार पकड़ के उसके हाथ में दी, कहा तेरी तलवार गिर गई, ये तेरी तलवार है, मर्द बन। अब जब वो तलवार लेके सामने हुआ, अब हम वार कर ले, उनका पहला तू वार कर, उनका जानते मैं कौन हूँ, मेरा नाम अली है, मेरा वार सेना बंदे की तौफीक से बाहर है। जब उसने वार किया अपने बाएं हाथ की ढाल पर उसको लिया और उसको संभलने नहीं दिया, फिर वार किया दो टुकड़े करके, फिर बाहर आ गए। जम करके जब बाहर आए तो सरकारी द्वार में सामने कहा अली, बंदा जना तक की बंगारना होना, ये पता हुआ जी सिरे पर पैर तरी नसी, उसकी कदा भी नहीं आखना कि जना बंगारना पैसा उड़े हो। ऐ अली, ये देखा ये अमर इब्ने अब्दुद क्या कह रहा है। कहा अमर इब्ने अब्दुद जो है मैं जानता हूं इसको, ये बदर के मैदान में मेरे सामने भागा था। सरकार ने फरमाया कि वो कहता है जो जन्नत में जाना चाहता है टिकट मेरे पास है। तंजन कहता है मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, जन्नती हो जाओगे। शहीद होने का आइडिया ये है कि वो जन्नती हो जाता है तो फिर जन्नत में पहुंचाना तो ये मेरा काम है। आप उसके सरकार ने फरमाया ये आमने सामने आ गया है, अल्लाह का नाम लेके इसके मुकाबले में जाओ। उसको भी सीधे रखा, वो घोड़े पर सवार है, सरकार पाप याद है, खड़े हैं जमीन पर। ये जबले सला है, अगर आपको मौका मिले मदीने शरीफ से आप शिमाल की तरफ सफर करें और तकरीबन कोई 125 मील पर जाने के बाद बाएं हाथ पर वो जगह है जिस जगह आपका मुकाबला उसके साथ हुआ, मैंने खुद वो जगह देखी है। आमने सामने आए, आप फरमान के बाहर कर रहे,
उसा क्या, उसने कहा भतीजे मैं नहीं तुम्हें मारना चाहता। फरमाया बेईमान मैं जो तुझे मारना चाहता हूं, अगर तू मुझे नहीं मारना चाहता तो ये तेरी गलत फहमी है, मैं तुझे मारना चाहता हूं और अभी दिखाता हूं। उसे वार किया, सात मन का गुर्ज मारने वाला बंदा, उसने तलवार का वार किया, मौला मुर्दा ने बाएं हाथ में लिया। कहा करते ना ए मारे खब्बे थैली गल है, सात मन का गुर्ज मौला मुर्दा के बाएं हाथ की बात है। आपने फिर संभलने नहीं दिया, जंप करके आपने तलवार मारी जो यहाँ हेलमेट पे लगी, हेलमेट को खोल दिया, खोपरी पे लगी खोल दिया, बॉडी पे लगा, बादी से तैरती हुई घोड़े से पार हो गई और जबले सला पे चली गई। वो फटन मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी, जिस साल में मदीना तैयबा में था उस साल उन्होंने उसको मिटाया था कि लोग हजरत मौला मुर्दा की शजाअत और ताकत का जायजा लेने के लिए वहां आते थे। तो उस जगह सरकार ने फरमाया तफसीर रुहुल बयान, जो मौलाना हजरत बैठे हुए इस बात को नोट करो, तफसीर रुहुल बयान सुन्नियों की मशहूर तफसीर यही है। दो तफसीरें हैं, एक तफसीर नस्फी और दूसरी तफसीर रुहुल बयान, जो बहुत तहकीकी और आशकाना समझी जाती है तफसीर रुहुल बयान है। उसमें सूरह अहज़ाब में इस आयत के तहत अन्नबी औला बिल मोमिनीन, इसके तहत है कि हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो देखा कि उसकी बॉडी के दोनों टुकड़े फड़क रहे हैं, घोड़ा दोनों टुकड़ों में फड़क रहा है, और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला अज़ुल्फ़कार, जना तकिया थे अली तकिया, तलवार तकी तो सिर्फ अली नहीं तलवार तके, ना इस तलवार नहीं मौजूदगी कोई तलवार है, ना इस जने नहीं मौजूदगी कोई जना है। समझो बात। उस पर मैंने कहा सैयद किसे मैदान भी आ रहा नहीं, ये सर अबोला बोता की स्पेशलिटी है, दो जहान भी साहिब लवा एक है, यानी झंडिया वाला जना जरा दो जहान। उस झंडे के मतलब की तफसील ये लिखी है अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने कि उसका एक सरा मशरक में दूसरा मगरब में, उसका निचला हिस्सा जो है वो जमीन पर और ऊपर वाला हिस्सा आसमान से लगता है। ऐसा तो आदमी सोचता है कि इतना बड़ा झंडा सारा किसने होगा, कहा जिसे खैबर का मैदान फतह किया था उसने सारा। एक तरफ इसने ताकत के काम किए, आमतौर से जोरे वाले जने उन्हें बेवकूफ है, खबर तुमने पता ये गल सही करी, तकने नहीं कुश्ती लड़ना होना पाया तो बारू एक बटेरे जितना बंदा उसकी गला ना लाई किन्ना, तू क्या करी सकना है, तू क्या करी सकना है, उसकी आंखों लगे पिछू दुश्मन ऐसा हो उसकी पगड़ी की सी कराई सकता। जो उसे अकल काम करनी हुआ तो ये ना समझा जिससे कुछ नहीं लड़ रहा वो तो पीछे मेज से क्यों लड़ रहा हूं। ताकतवर आदमी जहीन नहीं होता, और दुनिया में जितने ताकतवर किस्म के जानवर हैं बस आधी ताकतवर जानवर हैं, लेकिन कमाल दर्जे का बेवकूफ है, और शेर इंतहा दर्जे का ताकतवर है मगर इतना बेवकूफ है कि 100 हाथियों को आगे लेकर के चल पड़ता है, वो भी इतने बेवकूफ हैं कि उसके आगे आगे चलते हैं वगैरह सारे एक एक सूंड लेकर उसको मारे तो बंदे जमीन कर दे, लेकिन उनको इतनी सोच नहीं आती। जो आदमी इस पाए का ताकतवर है वही आदमी पहली पूरी उम्मतों के जितने वली हैं, वली साज वो है, है? वली साज है उम्मता सारिया का, ये मेरा जुमला आपने याद रखना है। बात के साथ वजात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके सामने ये झगड़ा पड़े कि शाह साहब ने ये बात कही है, वली साज है उम्मता सारिया का। हजरत काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदिया आलिया मुजद्दिदिया के बंदे हैं, यानी जिस आदमी ने कलम से अपने दीन की हिफाजत की है खानदान नक्शबंदिया में, वो अकेला आदमी है काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति। काजी सनाउल्लाह पानीपति जो हैं ये आदमी शाहवलीउल्लाह साहब मुअद्दिद्दिलवी के शागिर्द हैं, मिर्जा मजरे जान जाना के खलीफा हैं, जो चंद वास्तों से इमाम रब्बानी मजद अलसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह के खुलाफा में से हैं, और वो नक्शबंदी हजरात के नज़दीक अपने वक्त के मुजद्दिद तस्लीम होते हैं, ये उनके खलीफा हैं। और ये ऐसा आदमी है कि एक मरतबा अबू अली कलंदर से वास्ता पड़ गया,
बोली कलंदर उन्होंने मूछे रखी हुई थी, जिसे अपने असने पटवारे ने छापर रखे तो बीच पीती बैठी हुई एक लोग साइज ने जहां मुछा बड़ी बड़ी रखिया, उन्हें कहा क्या चूहे यार मुछा रखिया नहीं, मुछा को पगड़ी पगड़ी बाली की नहीं तो उठ ही नहीं सकना। एक और जने सा मुछा कदली दी डंडे जो बनाई रखे, उन्हें कहा क्या मुछा रखिया नहीं, खोती में टांडे लदे उन्हें। तो इस तरह बेवकूफ लोगों के शहर अलग नहीं है, लेकिन वो बूढ़ी कलंदर मजूब टाइप आदमी थे, उन्होंने मूछें रखी हुई थी। तो काजी सावला साहब पानीपति रहमतुल्लाह ने कहा बोली कलंदर तुम जानते नहीं हो ये शरीयत मोहम्मदिया में मना है। उनका मैं मरफूल कलम हूं मजूब हूं, मुझे मेरे साथ ये बहस करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कैंची मंगवाई, कैंची मंगवा के मूछे काटने लगे तो उन्होंने रूहानी तसर्रुफ किया, देखा कि मूछें अरशे इलाही पर पड़ी हुई हैं। बोले कलंदर ने अपनी किलाबत दिखाई तो काजी सलाल साहब पानीपति सिर्फ मौलवी नहीं थे, उन्होंने कहा कैंची देखो कहाँ है, जहां मूछें पड़ी हुई थी अरशे इलाही पर वहां कैंची भी साथ पड़ी हुई थी। उन्होंने बोले कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दोनों मूछें काट दी, मूछें काट दी दो आपके साहबजादे मर गए। दोस्तों ने कहा ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है, उनका मेरी कैंची अगर अरशे इलाही पर पहुंच गई तो फिर समझो मुझे ये भी इतला थी, मुझे ये पता चल गया था कश्फी उलूम के जरिए सल्लाह ने मुझे वाज़े कर दिया कि मूछें तो काटने लगे हो लेकिन इसका मुआवजा तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे दो जवान बच्चे मर जाएंगे। मैंने उनको कबूल कर लिया लेकिन सुन्नत रसूल को कायम करके छोड़ा। ये जिसका नाम बोरे कलंदर है, वो जिसका नाम सल्लल्लाहु पानीपति है, वो ये आदमी है। कहते लम यबलुग अहदुम मिन अल उमम सबिकते अला दरजतिल औलिया इल्ला बितवस्सुत रूह अली अलैहि सलाम। पहली उम्मतों का कोई वली वली नहीं बना, ये जो मैंने कहा ना वली साध है उम्मतां सारियां दा, है ला सैफ ते ला फता एक है, इसमें कोई आपका शरीक नहीं। सारे सहाबा को अमसर का ताज मानते हैं, सब में खूबियां तस्लीम करते हैं, लेकिन अपनी अपनी स्पेशलिटी है। ये हजरत मौला मुर्तजा की स्पेशलिटी की लिस्ट है, है? वली साध है उम्मतां सारियां दा। इतना पहलवान और शाजोर होकर दिमाग इतना काम करे कि अभी माँ के पेट में नहीं आया तो वली बना रहा है। हजरत सैयद महमूद आलूसी बगदादी खालदी कुर्दी मुजद्दी खानदानी नक्शबंदी का छोटी का आदमी है, सैयद है, बगदाद के रहने वाले हैं, मजहबन शाफी है। उन्होंने इस पर लिखा कि खिलाफत की दो किस्में हैं, एक है खिलाफत ज़ाहिरिया, एक है खिलाफत बातनिया। खिलाफत ज़ाहिरिया कब शुरू हुई? हजरत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पाक से शुरू हुई, जनाब इमाम हसन पर आकर के खत्म हुई। खिलाफत बातनिया कब से शुरू हुई? का जब से लेकर के नबूवत का फैजान शुरू हुआ, नबूवत का फैजान सरकार से शुरू हुआ। पहली उम्मतों में कोई नबी नबी नहीं बन के आया जिसको सरकार ने नबी नहीं बनाया। का जिस तरह सरकार के नबी बनाए बगैर कोई नबी नहीं बना, इसी तरह बोला मुर्ता के वली बनाए बगैर कोई वली नहीं बना। वली साज है उम्मत सारिया का, समझ आई? है पठवारी जुबान है लेकिन मैं एक इंसाइक्लोपीडिया दे देती है, अगर ये शेर याद रख लो तो फिर आपको बातें सारी जहन में उस वक्त आ जाएंगे। इसको कहते हैं खुरमाई तरीका तकरीर का, यानी ऐसी शाखें उसकी बना देना कि एक एक शाख को छेड़ो तो फिर एक एक तकरीर पूरी बन जाए, सबको इकट्ठा करो तो किताब बन जाए। समझे बात? ये खत खुरमाई की खसूसियात है। सात किस्म का खत लिखा जाता है, उनमें एक खत खुरमाई है जिससे खजूर की शाखें ऊपर को निकली होती ना, इसी तरह तकरीर की शाखें ऊपर को निकली होती, समझे? वली साज है उम्मत सारिया का, जो पहलवानी में जिस जगह पहुंचे कोई माँ का लाल ये रखे जनाब मैंने को गिरा लिया था,
ساری زندگی میں جو کبھی نہیں بھاگا وہ صرف علی ہے. سبحان اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ, اس کے اندر جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں میرے ابا جان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب میدان میں لوگ بھاگے تھے, بھاگے ہوں میں سب سے پہلے جو لوٹ کے آئے تھے وہ میرے ابا جی تھے. یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. ہم نے مولانا کے ایک طبقہ دیکھا ہے, کہتے ہیں ایسا ہوا ہی نہیں. وہ امام احمد حنبل بخاری کا استاد ہے, ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ, میرے پاس موجود ہے, اس پر میں نے نشانات لگائے ہوئے ہیں. اور راویہ اس کی کون ہے؟ خجلاب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, ان کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی کی یہ اسپیشلٹی ہے, بھاگے ہوں میں سب سے پہلے جو لوٹ کے آیا ہے وہ میرے ابا جی ہے, لیکن جو کبھی نہیں بھاگا وہ صرف علی ہے. جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جامی بھی نقشبندی ہے, نقشبندی احراری, فرماتے ہیں بجنگے احد چہو نبی مادا تنہا, بجنگے احد چہو نبی مادا تنہا, خدا یش فرشتہ دا نادے علی را. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے صحابہ چھوڑ کے بھاگے, اس وقت رب کہتا ہے کہ تو علی کو کیوں نہیں بلاتا. جامی کہتے ہیں اس وقت یہ نادے علی یہ نازل ہوئی جو قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سوروردیہ میں پڑھی جاتی ہے, کہ علی کو کیوں نہیں بلاتا. بجنگ احد چون نبی مادا تنہا, خدا یش فرشتہ دا نادے علی را. ہائے ہائے آہا, آپ فرماتے ہیں زے تو زے سپوشیدہ احوال جامی, زے تو نے سپوشیدہ احوال جامی, کہ ہستی بمانا سمیم بصیرا. یہ جامی جو ہے اس کے حالات آپ سے پوشیدہ نہیں, علی مرتضیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں علی ابن ام محمد رسول است, کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا. کہتے ہیں علی نبی پاک علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے, سرکار کے بعد جس کو بشیر اور نذیر کہا جا سکتا ہے وہ علی مرتضیٰ ہے. کہتے ہیں زیتونِ سپوشیدہ احوال جامی, کہ ہستی بمانا سمیم بصیرا. ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا, ثبوت ملا نا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں امام ربانی مجدد رسانی شیخ احمد سرندی آپ کی مکتوبات شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1626 اور لیٹر نمبر 123 اس کے اندر موجود ہے کہ کسی ولی کو ولی نہیں بنایا گیا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا. سمجھا گئی بات؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ہم ہاتھ کے اندر یہی بات لکھی ہے. اسماعیل دہلوی جو سارے وہابیوں کا پیر ہے, اس کی کتاب ہے صراط مستقیم, کہتے ہیں علی ان لوگوں میں سے ہے جن کو آسمانوں پر بھی تصرف کرنے کا حق ہے, زمین پر بھی تصرف کرنے کا حق ہے, کہ ان بندگان خدا میں سے ہے جو مدبرات امر ہیں. کہتے ہیں اگر ایسے لوگ یہ کہیں میں نے فلاں کو گورنر بنا دیا, فلاں کو بادشاہی سے ہٹا دیا, فلاں کو بادشاہ بنا دوں گا, تو کہنے کا حق ہے انہیں. سارے وہابیوں کا پیر اس نے صراط مستقیم کتاب میرے پاس موجود ہے, فارسی میں لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جب سے لے کر انسانیت چلی ہے فیضان ولایت علی کے پاس رہا ہے, ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا, ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا. لا صاحب تے صاحب لا فتح اک ہے, لا صاحب تے صاحب لا فتح اک ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ان کو شان ملی ہے نا, کوئی ولی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا. اب ناراضگی کس بات کی ہے؟ یہ جو ٹھیکرے ٹھڑکانے پھرنے نا, پیر پیر لائی نے جلے پوچھو تو جت بدانے کھڑے, وچو ٹھیکرے ٹھڑکائے ہوئے. علی نے منکر کی کڑا ولایت نصیب نہ ہوئی نہ وہ اسی. سمجھو ذمہ داری سے کہتا ہوں, دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے. ایک دن حضور کردگار ہم پیش ہوں گے, اللہ مجھ سے پوچھے گا, میں ان سب بزرگوں کے حوالہ جات عرض کروں گا. اب جناب خلافت باطنیہ شروع کب ہوئی؟
جب سے لے کر فیضان نبوت شروع ہوا، جب سے صدر ہے اس وقت سے نائب ہے، اس وقت سے اس کا خلیفہ ہے. خلافت ظاہریہ کب شروع ہوئی ہے؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی ہے، حضرت امام حسن پر ختم ہو گئی ہے. لیکن علی کی جو خلافت ہے، خلافت باطنیہ، وہ سرکار کے نور کے ساتھ شروع ہوئی ہے، پہلی امتوں میں بھی جاری رہی ہے، اس امت میں بھی جاری رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اور کہا ثم کان علی ذلک المنصب من اولاد الامجاد من الائمۃ الکبار الی حسن عسکریہ. کہا پھر وہی جو ولایت سازی کا کام ہے، یہ اور نہیں جانچ ہی نہیں سی نا، ولی بنانے کا ٹائم ہی نہیں تھا. لوگ نے جی بھی خط لکھنے نہیں، جانچ نہیں خط لکھی دیو. کہا تو سانا پیو دادا ہے، یہ کام کرنا ہے تو سانگی جانچ چنگی ہے. پھر اس منصب پر مولا مرتضیٰ کی اولاد رہی ہے حضرت امام حسن عسکری تک. ثم کان علی ذلک المنصب السید الشیخ عبد القادر الجیلی. پھر اس منصب پر حضرت غوث پاک فائز ہوئے. وہو علی ذلک المنصب الی یوم القیامہ. امام حضرت امام مہدی آخر الزمان کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی کائنات میں قیامت تک ولی آئیں گے. والی بغداد بڑی گیارہویں شریف ہے نا، اب پتہ نہیں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اس کھاتے کا کون ہے. کہا علی مرتضیٰ، اور علی مرتضیٰ کے بھی یہاں پر والی بغداد شہنشاہ جیلان. اور آپ کے ابتدائی دن میں اس بات کا فیصلہ ہو گیا. آپ اپنے بطن مادری میں ہیں، جس سے جناب ادر کرار کے بعد تاریخ زندگی میں ہے. آپ کی بائی صاحبہ جب کبھی بت کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، جھکنا چاہتی ہیں، حضرت ادر کرار پیٹ میں اکڑ جاتے ہیں اور نہیں جھکنے دیتے. کہا میں علی ہوں، پیٹ میں ہوں تو بھی علی ہوں، برزخ میں ہوں تو بھی علی ہوں. جب میں ولی بناتا رہا ہوں تو خود ولی تھا نہ تو بناتا رہا ہوں. سمجھ آ رہی بات کری آ رہی؟ ایک بندہ چار جماعتیں پڑھے، دسویں کی پڑھا ہے، منسوخ کی پڑھائی سکنا جب تک ان کو اپرائے اللہ نہ پڑھائی نہیں سکنا. ولی جو بناتا رہا ہوں، آصف بن برخیا تخت بلقیس اٹھا کے لائے، کہا اس کے بازو میں جو جان تھی وہ علی کی تھی. جناب سیدہ مریم کے درخت کو جھنجھوڑنے سے بغیر موسم کے تر کھجوریں جو گری، کہا اس کے جھنجھوڑنے میں پیچھے طاقت جو تھی لگے، طاقت سے تیر کمان دیے. تیر لگتا ہے کتنی گہرائی میں جاتا ہے، لگے تیر سے طاقت کمان دیے. جتنا کمان زور والی ہو. میاں صاحب نے اس بارے کی جگہ گفتگو کی ہے، کہلے کالے کنڈل زلف سجن دے جان بچاوے کیڑا، تے نینا دے وچ نینا پا کے لٹ کھڑے اس دل میرا. پلکاں تیر خدنگ نشانی ابرو سخت کمانا، ول 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 کمند تو زلفاں کدے بدے اس کر سمیانا. یعنی اتنا تیر دور جاتا ہے جتنا کمان زور والی ہو. کہا یہ جو ولیوں کے بازوؤں میں قوت ملی ہے، یہ اس کے پیچھے علی کی قوت کار فرماتی. پہلی امتوں میں کوئی ولی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنا. پھر ان کی اولاد نے، امام حسن نے اپنے وقت میں ولی بنائے، حسین نے اپنے وقت میں ولی بنائے. اب جو ہر چھوٹے موٹے صوفی کا تو نام لے، حسن و حسین کا نام نہ لے، علی کا نام نہ لے، ایک پیر کا عرس کرتے کبھی دوسرے کا کرتے ہیں. اور یار آل بیت کا کوئی عرس کیوں نہیں کرتے ہو؟ سبحان اللہ، ولی بنانے کا کام تو آل بیت نے کیا ہے. لیتے ہیں عرس کرنے ہو، مالکا نے عرس کینو کرنے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ بڑی گیارہویں شریف ہے نا. والی بغداد شہنشاہ جیلان اپنی مائی صاحبہ کے بطن مبارک میں آتے ہیں، لیکن نقل کس کی کرتے ہیں؟ مولا مرتضیٰ کی. ہر نقل کی خوبی اس میں ہے، وہ اصل کے جتنی زیادہ قریب ہو اتنی نقل اچھی ہوتی ہے. سبحان اللہ، یہ امتی جو ولی بنتے ہیں یہ نقل ہیں. کس کی؟ سرکار کی. سرکار اصل ہیں، جو اصل کے زیادہ قریب ہوگا وہ نقل سب سے عمدہ ہوگی. بات خیال میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اے تو اڑے سے نہیں بھی تقریر آج کری سٹن لگا.
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਅਕੇਲਾ ਆਦਮੀ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੀ ਸਿਹਤ ਮੇ ਉਮਰ ਮੇ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਅਕੇਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਹਿਨ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀਲਾਨ ਕੀ 11ਵੀਂ ਮਨਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਜ ਆਪਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇ ਹਮਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸੇ ਇਸੇ ਬੇਟਾ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਤਾ ਰਹੇ, ਇਸਕੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੇ। ਹਮੇ ਵੀ ਤਸਕੀਨ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋ ਹਮਨੇ ਦੀਨ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਪਰ ਲਗਾਇਆ ਥਾ, ਉਸਕੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਵੀ ਸਿਲਾ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਨਕਲ ਕੀ ਖੂਬੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋ। ਅਬ ਅਸਲ ਕਿਆ, ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਤਨੇ ਮਾਦਰੀ ਮੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਤੋ ਅੰਬੀਓ ਮੁਰਸਲੀਨ ਆਨੇ ਲਗੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਹਿਣੇ ਲਗੇ ਕਿ ਐ ਆਮਿਨਾ ਤੁਮੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਰੇ ਪੇਟ ਮੇ ਵੋ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਕਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਗਦਾਦ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਕਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੋ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਕੀ ਉਮਤੁਲ ਖੈਰ ਵ ਉਮਤੁਲ ਜੁਬਾਰ, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਥੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਹਜੂਮੋ ਕੇ ਹਜੂਮ, ਗਰੋਹੋ ਕੇ ਗਰੋਹ, ਜਮਾਤ ਦਰ ਜਮਾਤ। ਗਰਮ ਹੈ ਮਿਸਰ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਕੂਚੇ ਮੇ, ਗਰਮ ਹੈ ਮਿਸਰ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਕੂਚੇ ਮੇ, ਆਥੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਖਰੀਦਾਰ ਤੇਰੇ ਕੂਚੇ ਮੇ। ਜਿਨਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਆਜ ਵੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੇ ਲੀਏ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਤੇ ਐ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ, ਯੇ ਜੋ ਆਪਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਆਨੇ ਕੇ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇ ਜ਼ੁਲਮ ਓ ਸਿਤਮ ਕੀ ਰਵਾਇਤੇ ਥੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਬਗਦਾਦ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਕੇ ਸਾਥ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਲਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੋਣੇ ਲਗੀ। ਇਸਲਾਹਾਤ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਲਾਖੋਂ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀਲਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਪਰ ਨੁਜ਼ਰਤ ਉਲ ਖਾਦਰ ਅਲ ਫਾਦਰ ਫੀ ਤਰਜਮਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਇਸ ਪਰ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਗਦਾਦ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ, ਆਪਕੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਓਂ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥਾ, ਔਰ ਵੋ ਕਿਸ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥਾ, ਵੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋ ਆਲਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੇ ਪਾਓਂ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਜੋ ਆਪਕਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ, ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਖੇਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਪਾਸ ਸੇ ਗਾਏ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਸਨੇ ਗਾਏ ਕੀ ਦੁਮ ਪਕੜ ਕੇ ਮਰੋੜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੁਮ ਕੋ ਪਕੜਾ, ਗਾਏ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਯੇ ਤੋ ਗਾਈਓ ਕੇ ਦੁਮ ਮਰੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਮ ਦੁਮ ਮਰੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਮ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਦਿਲ ਮਰੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਸਾਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮ ਛੋੜੋ। ਆਪ ਵਾਪਿਸ ਗਏ, ਮਕਾਨ ਕੀ ਛੱਤ ਪਰ ਚੜ ਗਏ, ਮਕਾਨ ਕੀ ਛੱਤ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਾ, ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੰਮਾ ਮੁਝੇ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਨਕਾ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਇਤਨੇ ਫਲਕਬੋਜ਼ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਆਫਰਾਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੋ ਮਾਈ ਸ਼ਿਫਾ ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਸਰਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਥੇ। ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਹੋਤਾ ਕਿ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਵੋ ਮੁਹੱਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਥੇ। ਅਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਝੇ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋ ਤੋ ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਿਫ ਚਲਾ ਜਾਊਂ, ਵਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੂੰ। ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇ ਵੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀਓ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਉਨਕੀ ਰਸਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਿਫ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਮੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਮੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਮੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਬਗਦਾਦ ਮੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਜਾਮੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪਰ ਥਾ, ਬਾਅਦ ਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਗਦਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਹਲਬਾ ਉਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ, ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਮੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਥਾ, ਜਿਸ ਮੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੇ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਜੋ ਇਬਨੇ ਕੁਦਾਮਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਕੀ ਸਲੀਬੀ ਜੰਗ ਮੇ ਕਰੂਸੇਡ ਮੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਨਕੀ ਰਾਨੁਮਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਬਨੇ ਕੁਦਾਮਾ ਥਾ। ਇਬਨੇ ਕੁਦਾਮਾ ਵਾਲੀ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀਲਾਨ ਕੇ ਮਦਰਸੇ ਕਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੁਗਨੀ, 12 ਜਿਲਦੋਂ ਕੇ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈ।
अच्छा आदमी उसको उठा सकता, मामूली आदमी नहीं उठा सकता। उस किताब के अंदर जितने मुंदरजात थे ना, वो सारे के सारे वालिए बगदाद के बयान किए हुए हैं। उस किताब का नाम मोगनी है, मेरे कुतुबखाने में यहां मौजूद है, और उस मुसन्निफ का नाम इब्ने कुदामा है। आप चले गए बगदाद शरीफ, बगदाद शरीफ चल के दाखिला ले लिया, जामे निजामिया का बानी कौन था? निजामुल मुल्क। बानी किस तरह बना? जिसके पास पैसे आ जाएं उसको अच्छा काम करने की तो आदत नहीं होती, वो तो अय्याशी करता है। उसने ये यूनिवर्सिटी किस तरह बनाई? का हुआ ये कि उमर खयाम और ये दोनों क्लास फेलो थे बचपन में। बचपन में एक दूसरे से वादा किया कि अगर एक बंदा किसी अच्छे ओहदे पर पहुंच गया तो दूसरे की मदद करेगा। रास्ते में जाते जाते मिल गए, पहचान लिया एक दूसरे को। उमर खयाम ने कहा, यार तुम्हें वादा याद होगा? उसने याद आ गया। कहा एक नेकी करो मेरे साथ। कहा क्या नेकी है? कहा जगह मैं बताता हूं, तजवीज मैं देता हूं, यूनिवर्सिटी के लिए पैसे अब बादशाह से तुम मुहैया करके दो। वजीर आजम बाइख्तियार आदमी था, उसने उसके लिए वो जगह मुहैया की और वो बिल्डिंग बनाई। उसका नाम है जामे निजामिया बगदाद। उसमें सरकार बगदाद ने जाके तालीबास कर लिया। और फिर फारिग होने के बाद, फारिग होने के जमाने में आप वहां एक बुजुर्ग थे, कुतुबे बगदाद उनको कहते थे। कुतुबे बगदाद से मिलने के लिए गए। एक मैंने सक्का था, उसने कहा हम चलते हैं लेकिन हम मुंतही तालिबे में, वो पीर साहब तो अनपढ़ आदमी है, उसको पता ही नहीं है। हम चल के उससे सवाल करेंगे, जवाब नहीं दे सकेगा, जलीलो खार होगा। दूसरा आपके साथ था, उसने कहा यार एक वली अल्लाह के पास जा रहे हैं तो उनसे पूछ लेंगे लेकिन जलील करना मकसद नहीं होगा। अर्ज वाली बगदाद ने फरमाया, यार एक वली अल्लाह के पास जा रहे हैं तो फिर आजमाइश करने की क्या जरूरत है, दुआ कराएंगे। वो कभी छह महीने के बाद, कभी साल के बाद जाहिर होते थे, लेकिन जाहिर होते ही गायब हो जाया करते थे। जो ही ये पहुंचे आगे वो इंतजार में खड़े, जो ही आपको देखा कहा बैठ जाओ। इब्ने सक्का से कहा तुम्हारे सवालात ये हैं, उनके जवाबात ये हैं, और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम काफिर होकर मरोगे। हुआ भी ऐसा ही, इब्ने सक्का की यही नौबत आई। दूसरा जो था उन्होंने फरमा तुम्हारे दिल में भी गुस्ताखी आई, सैयद अब्दुल कादिर के बताने से तुम्हें हया आ गई, तो अब अगर तुम कुफर से बच जाओ तो ये गौस पाक का फैजान होगा। लेकिन ये सब ज्यादा वो है अनकरीब बगदाद के मिंबर पर बैठ के कहेगा कदमी हाज़े ही अला रकबते कुल औलिया अल्लाह। ये सरकार बगदाद अभी तालिबे इल्म है, अभी ये नौबत नहीं आई, और बैठ के अबू सईद अल खैर रजी अल्लाह तआला से तालीम से फरागत के बाद जब इसे हाथ में हाथ दिया, कलिमा से बैत कर चुके थे, इसे हाथ पेचे खेचा, पीर कहने लगे आपका काम हो गया, मेरे काम का भी इंतजार करें, मेरा भी काम हो लेने दे। यानी पीर की मंजिलें तय होनी शुरू हो गई, उनका थोड़ी देर अपना हाथ मेरे हाथ में रहने दे। यही वजह थी कि बाद उन्होंने अपना आस्थाना अपनी गद्दी छोड़ दी, कहा अब आप पीर है मैं मुरीद हूं, ये गद्दी आपके है ये मेरी नहीं है। फिर उसके बाद आपने जुमे वाले दिन मेंबर पर बैठ के कहा कदमी हाजे ही अल्लाह रखबे कुल वली अल्लाह, ये मेरा कदम जो इस मेंबर के ऊपर मौजूद है ना, ये सारे वलियों की गर्दन पर है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से कुछ उलमाए ने झगड़ा किया, उनका के ये किस वक्त कदम रखा? उनका मेराज की रात रखा। का कहां रखा? का जिस जगह जबरील रह गए उसके बाद रखा। का जबरील रह गए तो बाद में रखा, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा अगर जिसमें मादी के साथ जाना होता तो जिब्रील जो था वो नूर था, वो अगर नहीं जा सका तो मादी जिस्म के साथ न जाया जा सकता, लेकिन ये अपनी रूहानी कुव्वत के जरिए से गए। रूहानी कुव्वत के जरिए जाने में कोई अमर माने नहीं। सबूत आपने कहा बुखारी के मतन के अंदर है, सरकार फरमाते जब मैं जन्नत में कदम रखा तो आगे हजरत बिलाल हबशी के पाओ की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। मोहब्बत भी बड़ी ताकत का नाम है। अगर रात के वक्त पाओ की आवाज से माँ को कहो पहचान के दो, माँ नहीं पहचान सकती। चांद की चांदनी नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं है, मेराज की रात है,
सरकार में जन्नत में दाखिल हो रहा तो आगे आगे हजरत जिब्रील अमीन के हजरत बिलाल हबशी के पांव की आवाज आ रही है। इस जगह बहस है, बताओ कि उनको तो मक्के शरीफ में छोड़ के गए थे, जन्नत में वो कैसे पहुंच गए? ये इस बात का सबूत है कि जनाब जिब्रील अमीन के परे परवाज में बुराक के बाजुओं में वो ताकत नहीं है जो आशकाने मुस्तफा के अंदर ताकत है। इसलिए झगड़ा पड़ा था एक बार पाकिस्तान में कि जिब्रील अमीन अफजल है या अबू बकर सिद्दीक अफजल है। उनका इश्क रसूल जो है उसका रंग निराला है। अब बिलाल हबशी जो है वो बुराक से पहले पहुंचे हुए हैं, इसका मतलब यह है बुराक की परवाज कम है, बिलाल हबशी की परवाज ज्यादा है। दूसरा मसला क्या निकला, उनको इधर छोड़ के गए थे, कोई तारीख बतलाएगी कि मक्के से गायब हुए? मक्के से गायब नहीं हुए, उधर मक्के में भी मौजूद थे और उधर जन्नत के अंदर भी मौजूद थे। हाजिर नाजिर की क्या क्या बहस चल रही है, कहते एक बंदा दो जगह मौजूद नहीं हो सकता। अगर सरकार का गुलाम उसी वक्त मक्के में भी हो सकता है, उसी वक्त जन्नत में भी हो सकता है, फिर बहस क्या रह गई? का इस जगह हजरत वाली बगदाद शहनशाह जीलान रजी अल्लाह तआला, यहाँ चंद शाबियात हैं, सरकार ने उनका जिक्र किया कि मैंने उनको भी वहां देखा। अगर आम उम्मत के लोगों को वहां देखना मौजूद है तो वाली बगदाद के वहां देखने में क्या अमर माने हैं? का उन्होंने अपना कंधा पेश किया, कहा के ये साबित होता है कि सरकार खुद नहीं जा सकते थे तो हजरत नबी वाली बगदाद की मदद से गए। उसका जवाब यह है, बताओ जिब्रील सरकार को लेके गया था या सरकार जिब्रील को लेके गए थे? अगर जिब्रील लेके गए होते तो सिदरतुल मुंतहा से आगे ए टू जेड आपके पास थी? कौन सी रोड पड़ती है, कौन सा एड्रेस है, कौन सा रास्ता जाता है, फासला कितना है, कितने मील है? हजूर ने जिब्रील अमीन से भी पूछा यार नहीं जाते हो, पता तो बताओ। का रास्ते का राही राधा राही राविच रुक गया, कोल बुला के गल मुक गई, नूर बशरदा चगड़ा चलिया, शबे असरा से गल मुक गई। कहा तो अजरत वाली बगदाद शहनशाह जीलान ने बतौर तबर्रुक कांधा पेश किया कि यार रसूल अल्लाह यहाँ पांव रखे, और उसका जो पैदाइश वाली तारीख उसका निशान था वो बता रहा था कि किसी का ये पांव है। बड़ी ग्यारहवीं शीफ है, मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं अब सीढ़ियां चढ़ते हुए तो 10 मिनट मेरा सर चकराया। तो ये पूछ रहे खाना अब खाएंगे कि बाद में खाएंगे? मैंने कहा जब तबीयत ही हाजिर नहीं है खाना ना खाना बराबर है। तो खाना नहीं खाया। आप लोग भी थके हारे होंगे, तकरीरें सुन सुन के, नातें सुन सुन के, तो आपको भूख सता रही होगी, तो अब आपको खाने का मौका फराहम करना ये भी एक जरूरत की चीज है इंशाल्लाह। जो कि बड़ी ग्यारहवीं शीफ का मसाइल है वो इंशाल्लाह चौधरी रमजान के घर पेश करेंगे। हाँ, आपके लिए एक चॉइस है, इन्होंने अपनी एक बिदत निकाल ली है, इनको टाइम दिया हुआ था इतवार का, हफ्ते वाला दिन शेफील्ड को दिया हुआ था, इतवार इनको दिया था। इन आख्या जी असा जुबान करी बैठे हाँ, जे असा उस दिन ना करने जाना था जटा जू, उस आख्या जी मैं नमाज ना पढ़ना, मैं कहो ऐसा नहीं भाई ना, उस आख्या मैं रब ना जुबान करी बैठा। ये गल मारी पूरी ना नवीद में ना नमाज पढ़ रब ना जुबान करी बैठा। इन्होंने जुबान करी सटी कि मसीती वाले हमारे को पूछी तो टाइम रखिया, इस वजह तुम अजन टाइम दो। मैं कल राती शेफील्ड सा, ये साथी से मौजूद से, बड़ी धुएंदार तकरीर सी और बड़ा पुरकैफ, उलमा भी बड़े आए हुए थे, अवाम भी, उस जगह तिल तरने की जगह नहीं सी, ये मौजूद सा। तो वो अगले दिन ऐसे ना कल तने से ना, लेकिन वो
बड़ा बच्चा है छोटा जहा, 4 साल कुछ महीने उसकी उम्र है। अबू जी मुझे आपके भी छोड़ के गए थे। ये बाप उन्होंने भी बड़ी कमजोरी है। असा तुसा लफी किसने ना इसका सरकारी दुआल में लसा भी आया असन माड़े पर चढ़ी बैठा तो होया कह माई साहब जनाबे सईदा तैयबा साहिरा इमाम हसन की डांट रहे हजूर की नमाज क्यों नहीं पढ़ने क्यों उपर कंडी भी चढ़ी बने हो तो दुए पर रली था। हजूर ने फरमाया फातिमा ये माड़ा तो माड़े पुत्रा ना मामला तू भी दखल किया दे जिस तरह राजी और साई ना की कारण दे किसी शख्स को भी ये इजाजत नहीं कि वो अपनी मर्जी से कोई काम करे नमाज के अंदर। लेकिन सरकार का जो प्यार है उसने मजबूर किया जैसे वो चाह रहे थे। मैं थकिया सब बड़ा जब मारे को पूछा मुझे क्यों छोड़ के गए थे मैं कह जरा मैं आ जा रहा सा वो फिर रातों रात घर चला गया तो करूं पे आना फिर उस सिर्फ ये मुतालबा पूरा करने से कि बड़े दिन हो गए मैं करूं बाहर आते बेचारा मंदा करना रहा हूं सलाम पढ़ी है ते खत्म शिप पढ़ी है ते इजाजत के लिए है।